हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज का मंथ रीडिंग मैं लेकर आई हूँ। एक एक वीक हम लोग डिस्कस करेंगे कैसा क्या रहने वाला है विद योर पर्सन। यानी कि आज हम करने वाले हैं हमारे बचे हुए तीन राशि, यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यानी कि अर्थ एनर्जीज के बारे में। चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं इस अक्टूबर मंथ में। ये आपकी एनर्जीज निकल रही हैं, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, इतनी भयानक एनर्जी। टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव फोर ऑफ पेनिकल्स एंड वन मोर, टेन ऑफ कप्स। आपके पर्सन की भी देख लेते हैं। वैसे मुझे चार ही कार्ड्स निकालने थे बट ये पांच निकल गए हैं, तो इट्स ओके। देख लेते हैं आपके पर्सन के कितने कार्ड्स निकलते हैं। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, द एम्प्रेस, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, एंड द बॉटम ऑफ द डेक, मजिशियन फॉर दिस अक्टूबर फर्स्ट मंथ। ओके, सबसे पहले तो मैं कुछ जोडियक्स बता देती हूँ। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड ऑलमोस्ट सारे ही साइन अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। सारे के सारे साइन है यहाँ पर। मेजरली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर है हमारे पास कैंसर। तो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस महीने किसी तरीके की झड़प होने के चांसेस हैं। अगर पहले से ही चल रही है तो वो बात है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं चल रही है, आराम से इन कम्युनिकेशन हो आप लोग और सब कुछ सही चल रहा है आपके बीच में, तो किसी ना किसी तरीके की लड़ाई होने के चांसेस हैं विद दिस टावर कार्ड। ओके, आपके पार्टनर हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा इस महीने में, इस महीने के फर्स्ट वीक में बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाएं किसी तरीके का। आपको ये भी शो कर सकते हैं कि देखो मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इस तरीके के थोड़े से ईगो बैटल्स मुझे होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, बीच बीच में आकर के। और मुझे ऐसा लग रहा है ये ईगो बैटल्स थोड़े थोड़े आपकी वजह से भी होने वाले हैं, ठीक है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होने वाले हैं। तो अपने जो है, अपने दिमाग में कोई भी थॉट आता तो उसको काफी देर तक मत रखो, निकाल दो, कह दो, इट्स ओके। एंड इफ यू आर इन अ नो कम्युनिकेशन सिनेरियो, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि हो सकता है कि इस पर्सन के साथ में आपकी किसी तरीके से कम्युनिकेशन हो, बात हो। वैसे भी अक्टूबर मंथ में काफी लोगों की बातें होने वाली है, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो बात हो आप लोगों की, और बात कुछ इस तरीके से हो कि प्यार मोहब्बत वाली नहीं, लड़ाई के अंदर तब्दील हो जाए वो। इस तरीके की बातें हैं यहाँ पर फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। आप उनको बहुत सारा प्यार दिखाओगे, बहुत ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश करोगे, बट ही और शी विल नेवर अंडरस्टैंड यू प्रॉपरली। तो बात ये है कि सिंपली एक चीज बोल दो, मान जाता है इंसान तो ठीक है, नहीं तो फिर शांत हो जाओ, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ मत करना, ठीक है। ओके, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। अब ये रिवर्स आया था तो ऑफ कोर्स रिवर्स ही लूंगी मैं, बिकॉज दिस इज अ जोडियक रीडिंग। एस ऑफ पेनिकल्स, नाइट ऑफ पेनिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ पेनिकल्स। ओके, पैसे के ऊपर ज्यादा फोकस रहने वाले हो आप इस मंथ। आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया हमारे पास सेवन ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेनिकल्स। हो सकता है सेकेंड वीक अक्टूबर भी ये सारा सिनेरियो खत्म नहीं होने वाला है डियर। काफी कुछ ज्यादा चलने वाला है, इमोशनल बैटल्स हो सकते हैं, इमोशनली अटैक्स हो सकते हैं आपके ऊपर। आपको इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है कि आपकी वजह से तो हो रहा है सब कुछ, मेरी क्या गलती है इसके अंदर। इस तरीके का भी सिनेरियो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर जितने भी अर्थ साइन है उनके लिए ठीक नहीं है। पेरेंट्स की वजह से भी लड़ाई होती हुई दिख रही है मेरे को, थ्री ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, ठीक है। और कुछ इस तरीके की होगी कि आपके पर्सन का दिल दुख जाएगा बहुत बुरी तरीके से। ये अगर किसी तरीके का ऑफर भी करना चाहेगा तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे विद दिस कार्ड। एक तरीके का बोझ मन में, दुख और हताशा चलती रहेगी। देन सी,
आपके लिए थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में आया है टेन ऑफ सोर्स द एम्परर. ओके लेट मी शफल आउट सम मोर कार्ड्स. ओके देन वी हैव सेवन ऑफ वॉन्स ओ माई गॉड एंड फाइव ऑफ कप्स. काफी ज्यादा खींचतान रहने वाली है टॉरस वीर्गो कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए इन इस दो महीनों में इस अक्टूबर सीजन में. आपके पार्टनर की भी एनर्जी ठीक नहीं है यार बहुत नेगेटिव हो रखी हो बहुत नेगेटिव सी. फूल कार्ड काफी ज्यादा नेगेटिव समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या करूं मैं. थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर आप इतने ज्यादा सैड हो चुके होंगे ना कि आप एक तरीके से इस मोमेंट के अंदर आ जाएंगे कि आपका पर्सन आपको कुछ भी समझाने की कोशिश करेगा तो आप सिरे से नकार दोगे कि नो स्टॉप इट बस बहुत हो गया. इस तरीके की एनर्जी में आ जाओगे. मेहनत भरपूर करोगे अपने करियर के ऊपर लेकिन कहीं ना कहीं हताश रहोगे कहीं ना कहीं सैड रहने वाले हो बहुत ज्यादा. अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट माइंड के बैटल्स हो सकते हैं डिप्रेशन हो सकता है एंग्जाइटी हो सकती है. आपके प्रपोजल का वेट करते करते इतना थक जाने वाले हैं ना वो लिटरली कि वो छोड़ चुके होंगे चले जाएंगे. ठीक है इस तरीके के यहाँ पे दिक्कतें दिख रही हैं मुझे. देख लेते हैं फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर सब सही होगा या नहीं होगा. वी हैव हेरोफेंट. ओके फाइनली कुछ तो अच्छा है. क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी शो हो रही है. ठीक है फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर. देन वी हैव किंग ऑफ पेनिकल्स. ओके किसी तरीके का ऑफर दे सकते हो आप अपने पार्टनर को. बेचारा वो चला जाएगा तो अब आप मनाने जाओगे ना उसे. क्या आप लोग भी खुशी खुशी नहीं रहते हो हैं. वाओ फोर ऑफ वॉन्ड्स. देन योर पर्सन्स एनर्जी आर लाइक मून. अब हो गए ना वो सैड. पूरा महीना ऐसे खींचतान में निकलने वाला है आप लोगों का. ओके बॉटम ऑफ द डेक फॉर द लास्ट मंथ इज नाइट ऑफ वॉन्स. यानी कि भाई बात वही वाली है कि अब आकर के आप इनको मैरिज का या किसी तरीके का कमिटमेंट प्रपोजल दोगे और ये सिरे से नकार देंगे अब. ठीक है विद दिस मून कार्ड विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड अब ये इस एनर्जी में आ गए हैं कि अब तुम आके दिखाओ मैं बताती हूँ. ठीक है तो वो वाली चीजें लग रही है मेरे को यहाँ पे. दूसरा मैं आपको बताऊं तो किसी तरीके का इनके घर में सेलिब्रेशन हो सकता है और इन्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा अपने पैसे के लिए. बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस और फाइनेंशियल इश्यूज भी लग रहे हैं मुझे. तो टॉरस वीर्गो कैप्रिकॉर्न प्लीज बच के रहिएगा किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा. पूरा अक्टूबर मंथ ही इसी चीज में इसी झड़प में चला जाने वाला है वरना मैं बता रही हूँ. ठीक है हमारे पास है कार्ड्स निकालती हूँ मैं आप लोगों के लिए मोनोलॉजी से ताकि कुछ पता चल सके. ओके वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. यानी कि आपको भरोसा रखना है अपने सपनों में. ठीक है फिर है हमारे पास अ टाइम फॉर हीलिंग डेफिनेटली. ठीक है आपको थोड़ा समझने की सोचने की जरूरत है. अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक. यानी कि वही वाली बातें आ गई ना यहाँ पे कि आप पहले उनको दे नहीं रहे थे अब भैया आपका समय है कि आपको इनको देना पड़ेगा. देना पड़ेगा इन सेंस कि आपको इनको इमोशनल सेटअप देना पड़ेगा. कोई इंसान कहाँ तक कोशिशें कर सकता है. देन वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन. जब वो माने नहीं तो सरेंडर कर दीजिएगा. अपने विजन्स के ऊपर होल्ड रखिएगा यानी पॉजिटिव ही देखिएगा पॉजिटिव ही सोचिएगा. एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. ठीक है आपके ड्रीम्स को एक तरीके का प्रैक्टिकल प्लान चाहिए. और मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट अक्टूबर के वीक में एक तरीके की किसी न्यू रोमांटिक साइकिल भी स्टार्ट हो सकती है किसी तरीके की न्यू रोमांटिक साइकिल. ओके तो ये कुछ एनर्जी अपडेट्स रहेंगे आपके पूरे अक्टूबर में टॉरस वीर्गो कैप्रिकॉन. एंड वन थिंग यू ऑल हैव टू बी रिमेम्बर दैट किसी के पीछे भागना नहीं है. ठीक है अपनी गलती हो तो तुरंत सॉरी बोल लेना. सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता है. ठीक है गाइस तो इफ ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 111 टैरेट फैमिली का हिस्सा बन जाइए. गाइस लव यू बहुत सारा वाला. टेक केयर हैव फेथ ऑन यूनिवर्स बुआ. Bye.